दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाई अपस्टॉक्स। एस क्रिश्चियन नाम की एक औरत है और आपको सुन के साथ अजीब लगेगा, पर इस औरत ने पिछले 40 सालों से हंसा नहीं है। 40 सालों से इसका मुंह एकदम ऐसा है, एकदम स्माइल नहीं। और अपने बेटी के जन्म पर भी इसने थोड़ा सा भी स्माइल नहीं किया, बोलो। और ये इसने क्यों किया पता है? क्यों किया ऐसा? कोई स्माइल नहीं करने का प्रण क्यों लेगा? ये इसने इसलिए किया ताकि उसी के दूसरे साइड एक लकी कुत्ता है जिसका नाम है गंथर, और इसका जो नेटवर्थ है इसके मालिक से इसे मिला है वो 372 मिलियन डॉलर्स, यानी लगभग 2700 करोड़ रुपए है एक कुत्ते के पास। इतना क्या आपको पता है कि एक दुबई के प्रिंस ने अपने 80 पंछियों के लिए एक एक डेडिकेटेड सीट बुक किया एक प्लेन में, 80 पंछियों के लिए 80 सीट। व्हाट? और क्या आपको पता है कि गंथर नाम का एक कुत्ता है और उसकी संपत्ति 2700 करोड़ रुपए है, 2700 करोड़, जो कि कई फिल्म स्टार से भी ज्यादा है। इस वीडियो में आप ऐसे गजब फैक्ट्स को जानोगे कि आपके मुंह से एक ही वर्ड निकलेगा, स्पिफिंग मैन। क्या फैक्ट्स बताते हो तुम? फैक्ट नंबर 20, इस पिक्चर में आप ये देखो कि ये पेंटिंग जो है, ये सामने वाले जो मिरर है उसमें कुछ अलग दिख रहा है। क्या आप देख पा रहे हो? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये एक यूनिक तरह का पेंटिंग है जिसे लेंटिक्यूलर पेंटिंग कहते हैं। इसमें होता ये है कि किसी भी इमेज का जो पिक्चर होता है वो असल जिंदगी में अलग और मिरर में अलग ही दिखता है। कोई जिसे इसके बारे में नहीं पता होगा उसको लगेगा मैं पागल हो गया हूँ कि मुझे दोनों जगह अलग अलग दिख रहा है। फैक्ट नंबर 19, इस इमेज को देखो। ये इमेज जो है बहुत यूनिक है क्योंकि इस घर का जो ऊपर वाला पेंटिंग है वो आसमान से मैच करता है और उसके चलते ये लगता है कि ये आसमान कंटिन्यूअस नीचे तक आ रहा है। गजब है ना? मतलब दीवार का रंग और आसमान दोनों मैच होता है एग्जैक्टली, और इसलिए दोनों में कोई अंतर लगता ही नहीं, लगता आसमान नीचे तक कैसा टाइप का। फैक्ट नंबर 18, सऊदी अरेबिया के एक प्रिंस ने अपने 80 पंछियों के लिए 80 सीट को एरोप्लेन में बुक किया था। आई गेस आप ऐसे ही काम करते हो अगर आपके पास हद से ज्यादा पैसा हो तब। और ऐसे बहुत अजीब अजीब एग्जांपल हम लोग सऊदी अरेबिया में अक्सर देखते हैं। वहाँ के प्रिंस लोग कोई चांदी का गाड़ी बनवा लेता है तो कोई कुछ का, और वहाँ का पर पर्सन जो कैपिटा है वो बहुत हाई है, मतलब वहाँ पर ज्यादातर लोग अमीर ही होते हैं। फैक्ट नंबर 17, जर्मनी में एक बार एक नई कार प्रीमियर हुई थी, ठीक है, और ये दुनिया की सबसे पहली ऐसी कार है जो कि ट्रांसपेरेंट है। ये ग्लास से बना हुआ है, ठीक है, और इसमें कोई पेंटिंग यूज नहीं किया गया है, और बाकी कारों से ये बहुत ज्यादा मजबूत भी है, मतलब ये दुनिया के सबसे यूनिक कारों में से एक है। फैक्ट नंबर 16, जो पीकॉक होता है, मोर जो होता है उनके पंख होते हैं, फेदर्स होते हैं, ठीक है, तो क्या आपने कभी सोचा है कि ये उड़ते होंगे? क्या आप कभी मोर को उड़ते हुए देखे हैं? पहली बात तो एक नॉर्मल बर्ड के कंपैरेटिव मोर बहुत ज्यादा लंबा होता है और भारी होता है, पर अजीब बात ये है कि नेचर यानी प्रकृति ने उसे ऐसे ही फेदर्स नहीं दिया है, ऐसे ही पंख नहीं दिया, असल में उड़ते हैं। और मोर का उड़ना कोई लकी इंसान ही अपने रियल आंख से देख पाया होगा और देख पाते हैं क्योंकि ये बहुत रेयर है। जो मुर्गी होती है पक 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 पक, वो वाली मुर्गियों को मैंने पर्सनली उड़ते हुए देखा है, बहुत कम हाइट तक उड़ती है और फिर नीचे आ जाती है, अनलाइक द रियल बर्ड्स जो कि आसमान में बहुत ऊंची लेवल पर बहुत फुर्तीले तरीके से उड़ते हैं। पर मोर मुर्गी मामा दोनों में, ये दोनों ऐसे जीव हैं जो कि बहुत कम हाइट तक उड़ते हैं। फैक्ट नंबर 15, फ्लैट मोबाइल नामक एक कार है जो कि इस दुनिया की सबसे अजीब कारों में से एक है क्योंकि ये बहुत नाटी है। अब इसका इमेज देखो, बस ऐसा, इतना नाटा, ये तो बहुत अजीब है ना। वर्ल्ड की लोएस्ट स्ट्रीट लीगल कार मानी जाती है। अब ये स्ट्रीट लीगल जो मैं बोलता हूँ ना, रोड लीगल, स्ट्रीट लीगल, इसका मतलब ये होता है कि ये सब अजीब कार है तब भी आप इसे खरीद कर नॉर्मली रोड पर चला सकते हो, है ना। बहुत सारे कार होते हैं जो सिर्फ शो के लिए या फिर प्रोटोटाइप के लिए निकाले जाते हैं एक दो दिन के लिए, पर ये सब लीगली अवेलेबल कार है जो कि आप खरीद सकते हो और इस्तेमाल कर सकते हो, इसलिए रोड लीगल कहते हैं। फैक्ट नंबर 14, इंसान के हार्ट को अगर हम लोग देखे तो ऐसा होता है, ठीक है, कार्टून में ऐसा और रियल में काइंड ऑफ ऐसा। ये रियल हार्ट है, काइंड ऑफ नहीं, ये एक्चुअल हार्ट है। और इसी में से अगर हम लोग खून को निकाल दें तो हार्ट आपको कुछ ऐसा दिखेगा, बिना ब्लड के हार्ट, कितना अजीब दिख रहा है ना। फैक्ट नंबर 13, ये होता है ना फोबिया, ठीक है, फोबिया तो आप जानते ही होंगे, हाइड्रोफोबिया, पानी से डर, बहुत सारे फोबियाज होते हैं ना, ये लिस्ट देख लो कितने तरह के फोबिया होते हैं। फोबिया जैसे देखो, एक्रोफोबिया मतलब फियर ऑफ हाइट्स, एरोफोबिया मतलब एरोप्लेन में डर, उड़ने से डर, एराक्नोफोबिया मतलब फियर ऑफ स्पाइडर्स, हेमोफोबिया मतलब फियर ऑफ ब्लड्स,
खून का डर। हाइड्रोफोबिया जो कि बहुत कॉमन है, फियर ऑफ वाटर। तो फैक्ट ये है कि एक फोबिया होता है जिसे फोबिया कहते हैं, मतलब फोबिया का डर कि मुझे कोई फोबिया नहीं हो जाए। अगर आपको फोबिया से डर लगता है तो आपको फोबिया का फोबिया है। फोबिया इज द फियर ऑफ हैविंग फोबियास। फैक्ट नंबर 12, ये एक बहुत डरावनी फैक्ट है और अजीब फैक्ट है कि जब कोई इंसान पागल होता है ना, ये पागल है, वो पागल नहीं जो मैंने पहले बताया आपको, असल वाला पागल, मेंटली सीरियस, मेंटली इल। तो जब ऐसा कुछ सीरियस होता है ना कि जब कोई पागल व्यक्ति आत्महत्या करता है, उसके पहले ना बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं जिसमें वो लोग ड्राइंग बनाते हैं, मतलब अजीब सुसाइड करने के ठीक पहले ड्राइंग बनाते हैं, ऐसा मानो कि कोई एंटिटी उसे मजबूर कर रहा है सुसाइड करने में। तो एक बार एक ऐसे ही व्यक्ति सुसाइड करने के पहले ये ड्राइंग बनाया था। अपने स्क्रीन पर आप जो ड्राइंग देख रहे हो, यही वो मरने के पहले बनाया था। इसका मतलब क्या हुआ एग्जैक्टली? वीडियो में आगे बढ़ने के पहले आज मैं आपको अपने स्पॉन्सर अपस्टॉक्स के बारे में बताना चाहूंगा। जो लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं या करना चाहते हैं, उनके लिए अपस्टॉक्स बहुत काम की है। इसमें आप फ्री डीमैट अकाउंट बनाकर इन्वेस्ट कर सकते हो। डीमैट अकाउंट खोलने के लिए बाकी कंपनीज 500 से 600 रुपए लेती है चार्ज, पर अपस्टॉक्स में आप फ्री डीमैट अकाउंट बना सकते हो। अपस्टॉक्स के वेबसाइट या फिर ऐप में जाकर ईमेल और फोन नंबर वेरीफाई करके और पैन कार्ड अपलोड करके और सिंपल फॉर्म भर के आप इजिली अपना डीमैट अकाउंट बना सकते हो। और इसके साथ साथ अपस्टॉक और भी बहुत सारे बेनिफिट्स दे रहा है आपको। इसे अकाउंट ओपनिंग पर 300 रुपए का फ्लिपकार्ट वाउचर और फास्ट ट्रेडिंग पर 200 रुपए का फ्लिपकार्ट वाउचर। और सारे बेनिफिट्स को अगर हम लोग देखें तो आपको 28,000 के टोटल बेनिफिट्स मिल रहे हैं। अपस्टॉक गूगल प्ले स्टोर पर सबसे हाईएस्ट रेटेड ट्रेडिंग एप्स में से एक है और अपस्टॉक्स इंडिया के सबसे ट्रस्टेड ट्रेडिंग कंपनीज में से एक है, जिसमें श्रीमान रतन टाटा जी का भी इन्वेस्टमेंट है। और upstocks.com/mutualfunds पर जाके आप म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। सारे लिंक्स इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, सो यू शुड चेक इट आउट। फैक्ट नंबर 11, टेस क्रिश्चियन नाम की एक औरत है और आपको सुन के साथ अजीब लगेगा, पर इस औरत ने पिछले 40 सालों से हंसा नहीं है। 40 सालों से इसका मुंह एकदम ऐसा है, एकदम स्माइल नहीं। कितना भी कोई कैसा भी जोक मार दे वो नहीं हंसेगी। और अपने बेटी के जन्म पर भी इसने थोड़ा सा भी स्माइल नहीं किया, बोलो। और ये इसने क्यों किया पता है? क्यों किया ऐसा? कोई स्माइल नहीं करने का प्रण क्यों लेगा? ये इसने इसलिए किया ताकि इसके रिंकल्स न हो। मतलब रिंकल्स ना हो, रिंकल्स इसका चेहरा जवान रहे, इसलिए इसने ये किया। जब ये थोड़ा सा भी स्माइल नहीं कर रही है, मतलब ये लाइफ को नहीं जी रही है। लाइफ नहीं जी रही है तो फिर ये रिंकल्स नहीं होगा और 100 साल भी जवान रहेगी तो इससे क्या फायदा हो जाएगा? फैक्ट नंबर 10, आपको तो पता ही है कि 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंस को प्राप्त किया था और यूके इंडिया पर राज करता था ब्रिटिशर्स। तो आपको ये जान के हैरानी होगी कि अपने स्क्रीन पर आप जो देख रहे हो, ये पूरा स्क्रॉलिंग कंट्री का लिस्ट, ये सारे एक न एक बार यूके के कब्जे में आए हैं। मतलब यूके ने सिर्फ इंडिया पर नहीं बल्कि इतने सारे कंट्रीज पर कभी न कभी रूल किया है और इतने सारे कंट्रीज ने यूके से इंडिपेंडेंस को प्राप्त किया है। फैक्ट नंबर 9, जहाँ पर कई इंसान के पास खाने का पैसा नहीं होता, ठीक है, और जहाँ पर कई इंसानों को भूखे पेट डेली रात को सोना पड़ता है, उसी के दूसरे साइड एक लकी कुत्ता है जिसका नाम है गंथर। और इसका जो नेटवर्थ है, इसके मालिक से इसे मिला है, वो 372 मिलियन डॉलर्स, यानी लगभग 2700 करोड़ रुपए है एक कुत्ते के पास। इतना एक बार मैंने आपको फैक्ट बताया था ना, एक बार कि न्यूजीलैंड में कुत्ते ड्राइव कर रहे हैं, और एक मैंने आपको फैक्ट बताया था कि एक कुत्ता अब्यूज रहेगा और एक गरीब इंसान रहेगा, तो कुत्ते पर आदमी को ज्यादा दया आएगा, सिंपैथी आएगा। और यहाँ पर तीसरा कुत्ता का फैक्ट, सबसे अमीर कुत्ता 2700 करोड़। इससे ये पता चलता है कि कुत्तों का इवोल्यूशन हो रहा है, अब कुत्ते कंपनीज के मालिक न बनने लगे। फैक्ट नंबर 8, साल 2002 में एक 19 साल का लड़का जिसका नाम है माइकल कैरोल, उसने लॉटरी में 15 मिलियन डॉलर्स, यानी करीब 110 करोड़ रुपए, 1 करोड़ नहीं 10 करोड़ नहीं, 110 करोड़ रुपए जीता लॉटरी में। पर उसने सारा पैसा जुआ में और लड़कियों में लगाकर खत्म कर डाला, पता है कुछ ही सालों में 110 करोड़ को खत्म कर डाला, बोलो। और फिर से वो वापस उसी गार्बेज मैन के नौकरी पर आ गया जिसमें वो पहले था। इसका मतलब एक लक का इवेंट ना इंसान को नहीं बदल सकता है। ऐसा बहुत बार हुआ, शायद केबीसी में भी ऐसा मैंने सुना था कि
एक बार किसी ने 7 करोड़ या कितना जीता था, तो फिर वो अमीर बना, लेकिन फिर वो वापस अपने जो मतलब पुराने हालत में ही आ गया। ऐसा होता है, दिमाग ऐसा है ही। आदमी को अपने इंटेलिजेंस को कंटिन्यूअसली यूज करना चाहिए, ये नहीं कि एक बार मिल गया तो फायदा उठा लो सब कुछ भूल जाओ। नहीं। फैक्ट नंबर 7, हॉलीवुड के वेयर हाउस में एक आयरन मैन का जो सूट था ना मूवी का, वो रियल में रखा हुआ था, और वो सूट एक न्यूज के हिसाब से चोरी हो गया था, और उस सूट की कीमत थी करीब $325,000, यानी करीब 2 करोड़ रुपए। कोई आयरन मैन फैन ही चोरी किया होगा शायद। फैक्ट नंबर 6, कनाडा के टेड हेस्टिंग्स नाम के एक व्यक्ति ने एक बार में 260 शर्ट्स को पहनकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना डाला। ये तो बहुत आसान रिकॉर्ड है मेरे ख्याल से, ये तो मतलब आप भी तोड़ लोगे शायद, लेकिन 260 शर्ट पहनना कैसा फील होगा। फैक्ट नंबर 5, फिनलैंड ड्राइविंग के मामले में इस दुनिया की सबसे स्ट्रिक्ट कंट्रीज में से एक है, क्योंकि यहाँ पर गर्मी में ड्राइविंग और ठंडी में ड्राइविंग, समर टेस्ट विंटर टेस्ट दोनों टाइम में ड्राइविंग की अलग अलग टेस्ट ली जाती है, ये देखने के लिए कि दोनों में सक्षम है कि नहीं, और तब ड्राइविंग लाइसेंस मिलती है। मतलब वेट तो करना ही पड़ता है, लेकिन स्ट्रिक्ट प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है। फैक्ट नंबर 4, एलन मस्क का टेस्ला कंपनी एक स्टार लिंक नाम के प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, और उस स्टार लिंक की मदद से इस दुनिया में वो क्या रहेगा कि ऑल जगहों पर सैटेलाइट्स रहेगा, और आप चाहे अमेज़न जंगल में हो या फिर हिमालय में हो या फिर किसी पैसिफिक ओशन के बीच में हो, आपको इंटरनेट एक्सेस रहेगा। एक बार उन्होंने ये सैटेलाइट का नेटवर्क स्टारलिंक को लॉन्च कर दिया, उसके बाद आप नो मैटर धरती पर कहां हो, आपको एक टाइप का ऑल जगह का वाईफाई मिलेगा हमेशा। और सैटेलाइट के नंबर की बात करें तो 12,000 सैटेलाइट्स धरती के चारों ओर घूमते रहेंगे, और उसी से आपको नेटवर्क मिलेगा। फैक्ट नंबर 3, टेस्ला के फाउंडर एलन मस्क के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि शुरू में पता है वो अपने घर को नाइट क्लब में बदल दिए थे, ताकि लोग आके मस्ती करें, पेमेंट करें, और उससे उनको थोड़ा सा कमाई हो, और उसको यूज करके वो अपने एक्सपेंसेस को पे कर सके। फैक्ट नंबर 2, विक्टोरिया क्राउन पिजन नाम का एक बर्ड है, ठीक है, और ये नेचुरली ऐसा बर्ड है जिसके माथे पर काइंड ऑफ क्राउन लगा हुआ है। इसे वर्ल्ड की सबसे ब्यूटीफुल पेंगुइन बर्ड कहा जाता है। मतलब ये देखने में लग रहा हो कि किसी इंसान ने कुछ आर्टिफिशियल लगा के रखा है, पर ये नेचर का कमाल है। नेचर ने ही बर्ड को एक ताज दे दिया है। फैक्ट नंबर 1 के पहले, अगर आपने पहले से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन किया हुआ है तो थैंक यू वेरी मच, पर अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और सबसे इम्पोर्टेंट बेल आइकन को भी ऑन कर देना, ताकि इस चैनल के नए वीडियोस की नोटिफिकेशन अपलोड होते ही आपके मोबाइल में तुरंत मिल जाए, और ये बिल्कुल फ्री है। फैक्ट नंबर 1, स्पेस सूट जो होता है वो अंतरिक्ष का, ये वाला बहुत पॉपुलर सूट है, ये हमेशा व्हाइट कलर का ही क्यों होता है? इसका रीजन ये है कि स्पेस में ऊपर में जो सनलाइट होती है वो बहुत इंटेंस होती है, बहुत ज्यादा गर्मी होती है ऊपर में, और गर्मी तो ठीक है पर वहाँ रेडिएशन भी ज्यादा होता है जो कि हार्मफुल हो सकता है बॉडी के लिए, एस्ट्रोनॉट्स के। और व्हाइट कलर ही एक ऐसा कलर है जो कि इन्हीं दोनों चीज को, रेडिएशन को और हीट को रिफ्लेक्ट करता है। व्हाइट का जो ऑपोजिट, व्हाइट का उल्टा कौन कलर होता है? ब्लैक। इसका मतलब ये होना चाहिए कि व्हाइट अगर गर्मी को आने नहीं देता है और वो वापस छेलता है, तो इसका मतलब ब्लैक कलर गर्मी को अपने तरफ टांगता होगा। तो हाँ, यही ट्रू है। आपने देखा होगा कि जो बर्तन होते हैं विलेजेस में, गांव में, उसके बर्तन के नीचे एक काले रंग का कोटिंग किया जाता है, ब्लैक वाला आपने देखा होगा, वो इसलिए किया जाता है ताकि वो हीट को एब्जॉर्ब कर ले अपने तरफ, और उसका उल्टा व्हाइट रिफ्लेक्ट करता है गर्मी को। इसलिए स्पेस में जहां पर सनलाइट इंटेंस है वहां पर सन का प्रभाव नहीं होता। इसी रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी के चलते और सेफ रहने के लिए ये स्पेस सूट हमेशा व्हाइट ही होता है। और मैं आपको एक फैक्ट बता दूं कि ये स्पेस सूट जो है ना, ये बहुत इंटेंसली प्राइस्ड होता है, इसका दाम बहुत होता है। एक स्पेस सूट का दाम अभी के टाइम पर नासा से जो प्रोवाइड होता है उसका कीमत $12 मिलियन होता है। वाव। आपको सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट कौन सा लगा नीचे कमेंट जरूर करना, और वीडियो को खुलकर शेयर करना, और फ्रेंड्स डोंट फॉरगेट टू चेक आउट अपस्टॉक्स, लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।